इस वीडियो में हम बात करेंगे 2004 की फिल्म लीला सेज के बारे में, जो कहानी है चीमो नाम के एक लड़के की, जिसकी जिंदगी में लीला नाम की लड़की के आते ही सब कुछ बदलने लगा। फ्रांस के एक छोटे से शहर में चीमो नाम का लड़का रहता है, जिसने एक किताब लिखनी शुरू की। उसने पहले कभी कोई नॉवल पढ़ी तक नहीं है, इसलिए खुद कुछ लिखना उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा था, मगर लीला नाम की लड़की के बारे में सोचते हुए वो लिखता रहा। कुछ दिनों पहले चीमो लीला से मिला, जो अपनी खूबसूरती की तारीफें खुद करती है, और उसकी बातें 19 साल के चीमो के दिमाग में बैठ गई। चीमो अपनी माँ के साथ एक ऐसे इलाके में रहता है जहाँ एक पेड़ के अलावा कोई खूबसूरती नहीं थी। चीमो के सिर्फ 3 दोस्त हैं, जिनमें से मौलूद उसका सबसे करीबी है। उसका इलाका पिछड़ा हुआ है और अपने इलाके की तरह वो खुद को भी बेकार मानता है। न्यूयॉर्क में हुए टेररिस्ट अटैक की वजह से उस इलाके के लोगों की हर वक्त छानबीन की जाती है, और ये बात चीमो को पसंद नहीं। ये सोचकर कि उसका कोई भविष्य नहीं, चीमो हर रोज अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता है। कुछ सालों पहले चीमो की टीचर ने उसकी माँ से कहा था कि वो एक टैलेंटेड लड़का है और उसे मुफ्त में पेरिस के एक राइटर्स के स्कूल में पढ़ने का मौका मिल रहा है, पर चीमो ने वो मौका अपने हाथ से गवा दिया, और इसका कारण उसके बेकार दोस्त थे, जिन्होंने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पेरिस जाने के बाद भी वो एक बेकार इंसान बनकर रह जाएगा और उसकी इस दुनिया में कोई अहमियत नहीं होगी। वो अपने दोस्तों के साथ गलत कामों में लग गया और चोरी जैसे काम करते हुए उसने अपने सपने को पीछे छोड़ दिया। इसी तरह कुछ साल गुजर गए और एक दिन चीमो की जिंदगी में 16 साल की लीला आई। लीला की खूबसूरती देखकर हर कोई उसे पाने के बारे में सोचने लगा। लीला चीमो से मिलने लगी और उसके करीब आने की बातें करने लगी। यह सुनकर चीमो सोचने लगा कि लीला दूसरों के साथ भी ऐसे ही बातें करती है। लीला की मौजूदगी से चीमो बदलने लगा और उसके अंदर के इमोशंस बाहर आने लगे। इसी वजह से उसने लिखना भी शुरू कर दिया, जो एक ऐसा काम था जो वो पहले कभी नहीं कर पाता था। लीला को जिस औरत ने गोद लिया, वो उसकी खूबसूरती का इस्तेमाल करना चाहती थी, और इसलिए लीला उससे दूर जाने की कोशिश करती रही। चीमो को लीला से प्यार होने लगा और लीला भी अपनी आदतों के चलते उसे अपने करीब लाती रही। वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे, पर लीला की बातों से चीमो को समझ आया कि वो अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर्ड है। लीला और चीमो का अफेयर शुरू हुआ, पर चीमो के दोस्त भी लीला का पीछा करने लगे। लीला उन्हें अपने पास भी नहीं आने दे रही थी, पर मौलूद कहने लगा कि वो लीला को अपनी गर्लफ्रेंड बना कर रहेगा। इस बात से अनजान चीमो अपने बेरोजगार दोस्तों के साथ वक्त बिताता रहा, पर हर वक्त उसके दिमाग में अब लीला घूम रही थी। बेरोजगारी से परेशान होकर एक बार के लिए चीमो ने अपनी टीचर से बात करने के बारे में सोचा, पर फिर से पीछे हट गया। वो हिचकिचाते हुए लीला के पास गया और लीला की आंट उन दोनों पर नजर रखती रही। लीला की हरकतें और बातें अब भी चीमो को ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि उसका कई लड़कों के साथ अफेयर रह चुका है, पर चीमो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दिन रात लीला के बारे में सोचते हुए चीमो उसके बारे में लिखता रहा, और एक दिन उसे पता चला कि लीला की आंट उस पर नजर रख रही है। वो औरत ये सोचने लगी कि लीला उसे छोड़कर चली जाएगी और फिर उसके अतीत की वजह से उसे जेल में डाल दिया जाएगा। मौलूद नहीं जानता था कि लीला और चीमो एक दूसरे के करीब है। चीमो ने भी यह सच अपने दोस्तों से छुपाए रखा, पर मौलूद की जिद देखकर उसे कहना पड़ा कि शायद लीला किसी और को पसंद करती है और इसीलिए मौलूद से बात नहीं करना चाहती। चीमो की माँ बहुत मेहनत करके पैसे कमाती है, इसलिए चीमो की हरकतों से परेशान थी। फिर भी चीमो अपने दोस्तों में इतना गुम था कि वो सुधरने को तैयार नहीं था। लीला चीमो से प्यार के बारे में बातें करने लगी, पर लीला के लिए प्यार का मतलब सिर्फ फिजिकल होने से जुड़ा था, और ये सुनकर हर कोई उसे कैरेक्टरलेस समझने लगा। लीला भी अपनी इस इमेज को बरकरार रखना चाहती थी। चीमो लीला की सोच से डरने लगा, पर वो ये भी सोच रहा था कि आखिर उसने इन सारी बातों के लिए सिर्फ चीमो को क्यों चुना। मौलूद अब भी लीला के पीछे पड़ा था और लीला अब भी उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं थी। चीमो अपने दोस्तों को रोकने की कोशिश करने लगा, और तब मौलूद को समझ आया कि चीमो और लीला एक दूसरे के करीब है। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और लीला के बारे में भद्दी बातें करने लगा, पर इससे चीमो को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस रात चीमो ने अपने घर में एक पार्टी रखी, और तब मौलूद फिर से चीमो से कहने लगा कि लीला उसके अलावा दूसरे मर्दों के साथ भी घूमती है। इस बार चीमो ये बात सुन नहीं पाया, मगर बिना कुछ कहे अपने दोस्तों से दूर चला गया। वो लीला और अपने रिश्ते से खुश तो था, पर दिन पे दिन लीला की बातें अजीब होती जा रही थी। वो कहने लगी कि वो एडल्ट फिल्मों में काम करना चाहती है, और ये सुनकर चीमो और डरने लगा। उसने लीला से कहा कि वो हर वक्त ऐसी बातें क्यों करती है, और इसके जवाब में लीला ने कहा कि इसके अलावा जिंदगी में कुछ और है ही नहीं। चीमो की माँ को भी उसका लीला के साथ रहना पसंद नहीं आ रहा था। उनका मानना था कि लीला एक गिरी हुई लड़की है और चीमो भी अपने पिता की तरह किसी घटिया लड़की के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा, मगर चीमो ना तो अपने पिता जैसा बनना चाहता था और ना ही उनकी बात करना चाहता था।
चीमो को एहसास हुआ कि उसके पिता के जाने से उसकी माँ हर वक्त परेशान रहती है, इसलिए वो उन्हें समझाने लगा कि अपने पति को भूलकर उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह घुट घुट कर जीना नहीं चाहिए। चीमो ये भी सोचता था कि अगर वो अपनी माँ की जिंदगी में ना होता तो शायद वो आज बेहतर जिंदगी जी रही होती, और इस बात ने उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया। एक दिन साफ सफाई का काम करते हुए चीमो ने लीला को एक कब्र पर बैठे हुए देखा और उसे पता चला कि वो अपने माता पिता को खो चुकी है। उस दिन बिना कुछ कहे उन दोनों ने वही एक दूसरे के साथ वक्त बिताया और हर रोज लीला ऐसे ही चीमो से मिलने उसी जगह आने लगी। चीमो लीला के करीब आने लगा था, पर लीला की बातों ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो दूसरे मर्दों से मिला करती है। एक दिन अचानक लीला की आंट सड़क पर चिल्ला चिल्ला कर एक पादरी को ढूंढने लगी। तब मौलूद ने चीमो को लीला के घर जाते हुए देख लिया। लीला से मिलकर चीमो ने उसकी आंट के बारे में पूछा और तब लीला ने बताया कि हर रोज उसकी आंट उससे गलत हरकतें करने के लिए कहती है, इसलिए बदला लेने के लिए उसने कह दिया कि उसे शैतान नजर आया था और उसके शरीर में वो शैतान अब भी मौजूद है। लीला हर रोज की तरह चीमो से वही बातें करने लगी जिन्हें सुनकर चीमो डर जाया करता है, पर इस बार उन दोनों की बातें मौलूद भी सुन रहा था। वो कहने लगी कि असल में उसके घर में कोई आदमी आया था जिसका सच छुपाने के लिए उसने शैतान की कहानी इन्वेंट की। पहली बार चीमो लीला के करीब आने वाला था, पर तभी उसकी आंट पादरी को लेकर वहाँ आ गई। लीला की बातें शहर भर में फैलने लगी और मौलूद हर किसी से कहने लगा कि लीला एक प्रोस्टिट्यूट है। चीमो अब भी लीला के सपोर्ट में कुछ कह नहीं पाया। उस दिन के बाद शहर का हर मर्द लीला को गंदी नजर से देखने लगा और उसे परेशान करने लगा, पर चीमो की माँ उसे अब अलग नजर से देखने लगी थी और लीला को पसंद करने लगी थी। मौलूद चीमो को समझाने लगा कि लीला उससे सिर्फ इसलिए बात करती है क्योंकि वो एक फ्रेंच लड़की है और फ्रेंच लड़कियाँ उन जैसे अरबी लड़कों को इस्तेमाल करने वाली चीजें समझती हैं। वो कहने लगा कि लीला दिमागी तौर से बीमार भी है और कई बार उसने लीला को बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते जाते देखा है। इतना ही नहीं, मौलूद सबके सामने लीला के साथ बदतमीजी करने लगा और चीमो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। अपने दोस्तों की बातें सुनकर चीमो लीला के पास गया और उसने कहा कि उसके दोस्तों ने लीला को एक बड़ी गाड़ी में आते जाते देखा है। लीला का कहना था कि वो उसके दोस्त की गाड़ी है, पर चीमो उस दोस्त को एक कस्टमर मान रहा था। लीला कहने लगी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लोग उसे प्रोस्टिट्यूट माने, पर चीमो उन लोगों जैसा नहीं था इसलिए उसने चीमो से दोस्ती की थी। मगर अब उसे एहसास होने लगा कि चीमो भी इस शहर के लोगों जैसा ही है और लीला के लिए किसी से लड़ना नहीं चाहता। लीला ने बताया कि उसने जो भी बातें उससे कही थी वो सब सिर्फ कहानियां थी और उसने कभी किसी और लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया है। वो चीमो से प्यार करने लगी थी, पर अब वो इस शहर में रहना नहीं चाहती, इसलिए अपनी आंट के साथ वो वहाँ से दूर चली जाएगी। उस दिन चीमो और लीला का रिश्ता खत्म हो गया और डर के मारे चीमो उसे रोक तक नहीं पाया। चीमो अब पूरी तरह बदलने लगा था और हर रोज गुमसुम रहने लगा था। एक दिन चीमो से उसकी माँ ने माफ़ी मांगी और कहा कि किसी को भी लीला के बारे में गलत कहने का कोई हक नहीं था और वो समझ चुकी थी कि लीला बुरी लड़की नहीं है। एक रात चीमो को पता चला कि मौलूद अपने दोनों दोस्तों के साथ तमाशा करके चला गया है और वो सबसे कहने लगा है कि वो लीला से बदला लेकर रहेगा। चीमो जल्द से जल्द लीला को बचाने उसके घर पर गया, पर वहाँ पहुँचने में उसे देरी हो गई। मौलूद ने लीला के साथ जबरदस्ती की थी और उस रात चीमो को पता चला कि लीला की सारी बातें सचमुच झूठी थी और वो कभी भी किसी लड़के के करीब नहीं आई थी। गुस्से में वो मौलूद को पीटने लगा, पर पुलिस वाले वहाँ आ गए और चीमो को दूर ले जाकर उन्होंने मौलूद को गिरफ्तार कर लिया। मौलूद के साथ साथ चीमो को भी जेल में डाल दिया गया। पूछताछ के दौरान उनमें से एक दोस्त ने बताया कि चीमो का इस सब से कोई लेना देना नहीं, इसलिए चीमो को रिहा कर दिया गया। मगर जब तक वो लीला से मिलने उसके घर पहुंचा, तब तक वो अपनी आंट के साथ घर छोड़कर जा चुकी थी। उस घर में चीमो को लीला की डायरी मिली और उसकी मुलाकात उस औरत से हुई जिसके घर लीला बेबी सिटिंग करने जाया करती थी, और जिस गाड़ी को चीमो और मौलूद एक कस्टमर की गाड़ी समझ रहे थे वो उसी औरत की गाड़ी थी। लीला की डायरी पढ़कर चीमो को पता चल गया कि उसने अपनी सारी कहानियाँ मैगजीन से पढ़कर बनाई थी और वो ये कहानियाँ सिर्फ इसलिए सुना रही थी ताकि उसकी आंट उसे एक घटिया लड़की समझकर उसे अकेला छोड़ दे। चीमो ये सोचकर पछताने लगा कि वो कभी लीला की सच्चाई समझ नहीं पाया और चीजें सुधारने के लिए वो पुलिस से लीला का पता मांगने लगा। पहले तो पुलिस वालों ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, पर उसकी जिद देखकर उसे लीला का नंबर दे दिया गया। फोन पर चीमो सिर्फ ये कह पाया कि वो लीला से प्यार करता है और उस दिन के बाद लीला उसे कभी नहीं मिली।
लीला ने चीमो की जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी और अपनी गरीबी से निकलने के बारे में सोचकर उसने लीला की कहानी पर लिखी अपनी किताब अपने टीचर को दे दी और उस किताब की वजह से ही उसे वो स्कॉलरशिप मिल गई जिसे उसने सालों पहले ठुकरा दिया था और अपना शहर छोड़कर वो एक बेहतर जिंदगी जीने पेरिस की ओर बढ़ने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।